नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे जो कि हर वनडे एग्ज़ाम में काम आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम आते हैं। चाहे 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे 12th का हो, या कक्षा 8 तक भी आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं तो यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम 5 टाइप में पढ़ाएंगे। फर्स्ट टाइप आपका होगा सिंगल ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ईटन एन एप्पल, ये वर्ब है, वर्ब के बाद एन आप एप्पल, ये ऑब्जेक्ट है। सेकेंड टाइप विद डबल ऑब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा, जैसे द प्रिंसिपल गेव हिम अ मेडल, इसमें गेव गिव गिव के पीछे हिम भी है और ए मेडल भी है, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट है। फिर थर्ड टाइप है प्रीपोजिशनल वर्ब, यानी ऐसे वर्ब जिसके पीछे एक प्रीपोजिशन भी रहती है, जैसे द मिनिस्टर टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट, तो टर्न डाउन, ये एक टर्न डाउन से ही मिलकर, ये एक तरीका समझो ये पूरी एक वर्ब है, लेकिन इसमें प्रीपोजिशन है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रीपोजिशनल वर्ब। फिर फोर्थ टाइप है प्रीपोजिशंस ओमिटेड, यानी ऐसी वर्ब जो हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं। फॉर एग्जांपल, सी नोज मी, नो हमेशा टू टू लेता है, यानी टू जो प्रीपोजिशन होती है वो नो नो हमेशा टू को लेता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इस ये प्रीपोजिशन ओमिटेड की कैटेगरी में आती है ये। फिर सेंटेंस बिगिनिंग विद इट इज़ टाइम, यानी ऐसा सेंटेंस जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो उसको कैसे बनाएंगे, तो फॉर एग्जांपल इट इज़ टाइम टू क्लोज अप, इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो अंत तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, यानी अगर सब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, यानी एक्टिव में अगर सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, अगर एक्टिव में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में उसको सब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अगर सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, सी हो, तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो देखते रहिए। आई का आपको क्या लिखना है, आई का आपको लिखना है ऑब्जेक्ट में मी, वी का आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है देम, ही का आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है हिम, और सी का आपको ऑब्जेक्ट में लिखना है हर, है ना। यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यानी आई अगर सब्जेक्ट में है तो आपको ऑब्जेक्ट में मी लिखना है, अगर वी है तो वी का वी अगर सब्जेक्ट में है और आपको ऑब्जेक्ट चाहिए वी वी का ऑब्जेक्ट, तो अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो हमारे साथ एक बार बोलो, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, ठीक है ना। तो इस अब इसी क्रम में अब आपके चालू हो रहा है धीरे धीरे एक्टिव एंड पैसिव वाइज, यानी अभी तो आपको हम बेसिक से पढ़ा रहे थे कि इसको कैसे चेंज करें उस, तो अब देखो इसमें क्या होगा आगे। अब आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी एक्टिव एंड पैसिव वाइज में आपको हम फर्स्ट टेंस पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। अब बात आती है कि अगर हमारे पास सेंटेंस जो लिखा होगा एक्टिव में, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव, कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का है। तो अगर एक्टिव में क्या चीज़ हमको मिल जाए तो पहचान लेंगे, तो इसके लिए कुछ यहाँ पर हम बता रहे हैं, और उसको फिर हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको भी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आपके पास एक्टिव में सिर्फ चार चीज़ दिखाई पड़ जाए, क्या आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर फोकस करना, इसमें क्या होगा, आपके पास वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होगा, है ना, या तो डू होगा या तो डज होगा, यानी ये दोनों अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, नहीं तो आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस होगी। अगर ये मिल जाएंगे तो आपको चेंज कैसे करना है, तो चेंज कर देना आपको इज आर और एम में चेंज कर देना है,
और इनके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका पहला एग्जाम्पल है, क्या है? अच्छा, हम ये पहले बता दें कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मिलेगा पहले सब्जेक्ट होगा, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में आपको पहले सब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब होगी, यानी वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS होगा, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये किस में होगा? जी आपका एक्टिव में होगा, यानी ये स्ट्रक्चर किसका है? ये एक्टिव का है। तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाओगे? पैसिव में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनाओगे एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद में आप लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपको लगाना है बाई, और फिर पैसिव में एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। ये किस में होगा? ये आपका स्ट्रक्चर होगा पैसिव में, ठीक है ना। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव का होगा, तो इसी फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं पहला एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल है क्या? राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। इसका, इसमें दोनों पहले सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या बताया? ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दो सब्जेक्ट की जगह क्रिकेट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम में लगा देनी है, इज हो जाएगी, क्रिकेट के साथ इज आएगा, सिमिलर है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, है ना। उसके बाद में बाई लगा दो, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी राम का क्या हो जाएगा? राम का राम रहेगा। अगर ही हो, अगर आई होता तो मी हो जाता, अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ मी हो जाता, अगर यहाँ पर वी होता तो यहाँ पर अस हो जाता, अगर यू यहाँ पर होता तो यहाँ पर यू रहता, अगर यहाँ पर क्या दे होता तो यहाँ देम हो जाता, अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ पर हिम हो जाता, अगर यहाँ पर सी होता तो हार हो जाता। समझ में बात आ गई? इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। इसको पहले पहचानो कि ये किस टेंस का है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो वर्ब जो है, ये वर्ब में ना तो एस है, ना तो ईएस है, ना तो ये वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, है ना। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, अगर कोई भी ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना देखना है क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म में तो नहीं है, ये क्या इसमें वर्ब सेकेंड फॉर्म में तो नहीं है। अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगी तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर नहीं होगी तो सिर्फ आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी हेल्प, बिना हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। पर अगर हेल्पिंग नहीं है तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ऐसा तो नहीं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगर सेकेंड फॉर्म होगी तो 100% वो पास्ट इंडेफिनिट में पहुँच जाएगी, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना तो एस, ना तो यस, ना तो सेकंड फॉर्म, तो इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का होगा। अगर होगा तो इसको कैसे चेंज करोगे? तो हमने बताया था कि इसको इज, इज आर एम, हमने कहा था कि इसको इज आर और एम इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज करेंगे। तो इसमें उसका स्ट्रक्चर बताया था क्या होता है, तो फिर बता दे रहे हैं। पहले सब एक्टिव में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आपके पास होगा, फिर आपके पास वर्ब होगी, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। ये एक्टिव का है, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर एक्टिव वाइज का है। तो आपको पैसिव में क्या कैसे चेंज करना है? तो पैसिव में आपको जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का बनाना है आपको सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट का बना देना है ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पैसिव में, यानी पैसिव में ऐसे बनाना है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक है, तो ए बुक को यहाँ पर क्या लिखोगे? ए बुक, सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लिख दोगे ए बुक। अब
हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की कौन सी आएगी, तो इज आर एम ए से ही आएगी। ए बुक ए किताब है, सिंगुलर है, तो इसलिए इज आएगा, इज हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब की थर्ड पर्सन, रीड की थर्ड पर्सन रीड रहती है। बाई लगा दो, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, और आई का ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट आपके क्या होता है, मी होता है, क्या होता है, मी होता है ना। ये बन गया लो। अगर यहाँ पर इसी में कुछ चेंज कर दें, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ सी होता, सी रीड ए बुक, तो आपका क्या बनता, तो आपका वही सेम बनता कि ए बुक इज रीड बाई सी का ऑब्जेक्ट, क्या सी का ऑब्जेक्ट आपके पास हो जाता, हर, यानी यहाँ पर क्या हो जाता, हर। ठीक, अगर यहाँ यू होता तो यहाँ पर यू हो जाता, अगर यहाँ पर वी होता तो अब बाई अस हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से आपको बनानी है, अफर्मेटिव में इसी प्रकार से बनेंगे। तीसरा एग्जांपल एक समझा दें, उसके बाद हम पढ़ें निगेटिव की तरफ। तीसरा एग्जांपल है जैसे यू हेल्प माई ब्रदर, यू हेल्प माई ब्रदर, तो फिर देखना आपको है, कोई भी आपके पास सेंटेंस हो तो आपको देखना ये है कि ये किस टेंस का है, इसमें ये क्या है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आपके पास वर्ब है, और माई ब्रदर ये क्या है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो अब वर्ब है, वर्ब कैसी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आई है, तो क्या सेकेंड फॉर्म तो नहीं है, तो हेल्प सेकेंड फॉर्म नहीं है, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो नहीं सकती, तो सिर्फ बचा कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट बचा, जो सिर्फ बिना हेल्पिंग वर्ब का आएगा। तो हेल्प इसमें क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हाँ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ऐसा है, नहीं है, डू डज है, नहीं है, यानी इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे चेंज करोगे, तो आप फिर देखो पैसिव में पहले हम क्या लिखते हैं, पैसिव में एक्टिव का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं पैसिव में सब्जेक्ट, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, तो इसको लिखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर माई ब्रदर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्प माई ब्रदर, मेरा भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर आएगी, मेरा भाई, माई ब्रदर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड होती है, हेल्प्ड। उसके बाद में बाई लगाओ, बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें यू है, तो यू का क्या हो जाएगा, यू का यू रहेगा, है ना। बात समझ में आ रही होगी, तो इसी प्रकार से आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है, हम दे रहे हैं होमवर्क के लिए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। पहला क्वेश्चन लिखो, सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग, चलो इसको हम बनवाए दे रहे हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए, इसमें फिर आपको देखना है कि सेंटेंस किस टेंस का है, तो आप देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब कैसी है, सेकंड फॉर्म तो नहीं, नहीं, सिंग सिंग सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है, और सिंग में लगा क्या है, ये एस लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बनाना कैसे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट में क्या है, ए सॉन्ग है, तो ए सॉन्ग लिख दोगे सब्जेक्ट की जगह पर, या सब्जेक्ट की जगह पर ए सॉन्ग हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ए सॉन्ग सिंगुलर है, तो इज आ जाएगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म, सिंग सैंग संग, तो संग की एस यू एन जी, ये थर्ड फॉर्म होती है, यानी सिंग आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, उसके बाद सिंग सैंग आपकी सेकंड फॉर्म होती है, और संग आपकी, यानी ये आपकी वी वन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो इसलिए क्या लगाओगे, संग, और उसके बाद बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट आपके पास होता है हर। ये आपको याद कर लो कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे चेंज करना है। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन आप लिखो होमवर्क के लिए, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। हमने बोला आई राइट ए लेट, ये आपको होमवर्क का है, सेकंड, ये छठा नंबर भी आपको होमवर्क में लिखो, यानी जितने भी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यू रीड ए बुक,
दो क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे हमारी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। जैसे हम अपलोड करें कोई वीडियो, आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि सर यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम चलते हैं, ये तो अफर्मेटिव के थे प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, डालो हेडिंग निगेटिव सेंटेंस। इसका एक्टिव में स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? एक्टिव का स्ट्रक्चर इसका होगा कुछ इस तरीके से, कैसे ये होगा आपके पास एक्टिव में, हम पहले एक्टिव की बात कर रहे हैं, एक्टिव में आपके पास स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपके पास डू होगी, या तो डज, डू या डज में एक चीज़ होगी, उसके बाद में नॉट होगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बाद में ऑब्जेक्ट लगा होगा, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। पैसिव में कैसे बनाना है? तो पैसिव में देखो, पैसिव में ऑब्जेक्ट का बनाओगे सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, डू या डज की जगह पर आपको क्या लगाना है? इज, आर, एम, उसके बाद नॉट लगा दो, वर्ब की थर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, प्लस बाई लगा दो, उसके बाद में सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है, इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहला एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। नेगेटिव का पहला एग्जांपल है, दे डू नॉट डिस्टर्ब मी, क्या है? दे डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो इसमें पहले आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये निगेटिव वर्ड है, उसके बाद ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब के तुरंत बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो आपको कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पहले है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है ना, आई का ऑब्जेक्ट मी, और मी का सब्जेक्ट आई, तो आई, उसके बाद में इज, आर, एम में कुछ लगा दो, तो आई के साथ हमेशा एम आएगी, उसके बाद नॉट लगाओ तो नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है? डिस्टर्ब, तो हो जाएगी डिस्टर्ब्ड, ठीक। फिर बाई लगा दो, ये बाई लिखा है तो बाई लगा दो यहाँ पे, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट दे, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कितना यूज हो रहा है, तो अगर सबसे पहले इसको सभी लोग याद कर लो, है ना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। सेकंड नंबर एग्जांपल आपको दे रहे हैं, लिखो, सेकंड नंबर एग्जांपल है, वी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट, वी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट। इसमें पहचानो पहले सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये निगेटिव वर्ड है, ये वर्ब है, और ये क्या आपके पास है? ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाओगे इसको? तो हमने बताया ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द स्वीट है, तो द स्वीट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखोगे द स्वीट, ठीक। उसके बाद में इजारे में कुछ लगाओ, तो द स्वीट के साथ आप क्या लगाओगे? द स्वीट के साथ आप लगाओगे स्वीट है, तो इज लगाओगे, अगर स्वीट्स है तो आर, स्वीट के साथ इज, स्वीट्स के साथ आर, तो यहाँ पर स्वीट्स कर लो, है ना, तो स्वीट्स के साथ, यहाँ पर स्वीट्स के साथ क्या लगाओगे? आर लगाओगे, अगर स्वीट होता तो स्वीट के साथ इज, आर हो गई। फिर नॉट लगाओ, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वी, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। दो एग्जांपल आपको समझाए, आई होप बहुत अच्छे तरीके से आप आनंद पूर्वक समझ रहे होंगे। तीसरा एग्जांपल है, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सी डज नॉट
सिंग ए सॉन्ग। इसमें छांटो सब्जेक्ट क्या है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव वर्ड है ना। तो इसको कैसे बनाओगे, तो इसका बनाओगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ए सॉन्ग का सब, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो एक सॉन्ग का सब्जेक्ट भी ए सॉन्ग होगा। ए सॉन्ग के साथ ईद आएगा कि आर के एम, तो ए सॉन्ग के साथ ईद आएगा। उसके बाद नाट है, नाट लगा दो, ये देखो नाट है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है वर्ब के थर्ड फॉर्म में। सिंग की क्या होती है, सिंग सैंग संग होती है, संग हो जाएगी। उसके बाद में बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है हर, ठीक है। तीन एग्जांपल हमने आपको समझाए और आई होप आप बहुत अच्छे तरीके समझ रहे होंगे। चार नंबर एग्जांपल आपको होमवर्क का है, चार नंबर एग्जांपल आप नोट करोगे, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करोगे, इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक। लिखो इसका एग्जांपल, हम बोलते हैं आपको यू डू नॉट हेल्प हर, इसका एग्जाम्पल, ये इसका आंसर देना आपको है। और पांचवें नंबर का भी एक आपको एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में देना है, आई डू नॉट रीड ए बुक, ये दो एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना, ठीक है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कैसे हम इसको बनाते हैं, बहुत आसान शब्दों में आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी ई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका जो एक्टिव होता है वो किस तरीके से होता है और पैसिव को कैसे बनाओगे, तो एक्टिव आपका कुछ इस तरीके से होता है, उसको आपको पैसिव कैसे रहना है तो वो आपको हम बता रहे हैं। एक्टिव जो होगा वो कैसे होगा, एक्टिव में आपको सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव को दो टाइप में बताने की कोशिश करेंगे। एक इंट्रोगेटिव को फर्स्ट टाइप यानी जो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, यानी जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो वाले सेंटेंस पहले हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्टिव में आपको देखने को मिलेगा पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर आपको क्या मिलेगा, डू या डज, उसके साथ में आपको सब्जेक्ट मिलेगा। यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या मिलेगा, आपको डू मिल सकता है और डज मिल सकता है। उसके बाद में सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, अगर नॉट होगा तो नॉट भी मिलेगा, नॉट नहीं होगा तो नॉट नहीं होगा, नॉट होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और पीछे क्वेश्चन मार्क तो मिलेगा ही मिलेगा। इसको कैसे बनाओगे पैसिव में, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी तो हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज करना है, डू डज को चेंज करना है आपको है इज आर एम में, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट का बनाना है सब्जेक्ट, यानी आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू राइट अ लेटर, डू यू राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क है तो बनाओ इसको। पहले क्या ये है, स्टार्टिंग में ये इसका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने कही समझाया कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होगी तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में रखना है, यानी इज आर एम को भी रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, स्टार्टिंग में है तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखना है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज की आर की एम, तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है। तो इसका सब्जेक्ट नहीं देखना, आपको देखना कि यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा होगा, क्योंकि ये यू के हिसाब से डू है, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए डू है, ठीक। तो आपका ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनेगा यानी ए लेटर जो होगा, तो ए लेटर कैसा है, ये ए लेटर आपका सब्जेक्ट है, वो भी सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो ए सब्जेक्ट ए लेटर के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, इज, इज ए लेटर, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटन डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन रिटन, उसके बाद में बाई,
उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है यू, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर नाट होता तो नाट यू के बाद होता है डू यू नाट, तो आपको कहाँ लगाना पड़ता, आपको लगाना पड़ता है इज अ लेटर नाट, यानी जैसे वैसे लगाओ। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख दो, यहाँ यू है यानी सब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिखा जाएगा पर चेंज हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। फिर नाट है तो नाट लगाओ, नहीं है तो ना लगाओ। वर्ब है तो आप वर्ब लगाओ, वर्ब कैसी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब यहाँ पर सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर बाई लगा, बाई लगा कर यू का सब्जेक्ट रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यू, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, जितने भी डाउट हैं आपको हैं सब अभी क्लियर हो रहे हैं। सेकंड आपका एग्जाम्पल एग्जाम्पल है क्या है, एग्जाम्पल है इज सी, सॉरी इज नहीं होगा यहाँ पे, डज कर दो क्योंकि प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। डज सी वॉश हर क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सी क्या है, सब्जेक्ट है। वॉश क्या है, वर्ब है धोना। हर क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें यह ना समझना ना कि हर ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लास दूसरा ऑब्जेक्ट है, नहीं। ये हर क्लास मतलब यहाँ पर उसके कपड़े, यहाँ पर ये हर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर क्लास ना होता तो हर ऑब्जेक्ट होता, पर हर क्लास अब ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, तो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो आपको भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, यहाँ सब्जेक्ट है आपको भी यहाँ सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ वर्ब है आपको भी यहाँ वर्ब लिखनी है, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपको भी यहाँ ऑब्जेक्ट ही लिखना है, इसी प्रकार से लिखना है। तो डज यानी हेल्पिंग वर्ब है तो आपके भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, कई क्या आएगी चेंज होकर आएगी, इज आर एम ई आएगी, ठीक है। तो वो किस हिसाब से इज आएगी कि आर की एम, तो एक वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही तो पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है हर क्लास, ठीक। तो ये कैसा है, ये हर क्लास उसके कपड़े है ना, तो बहुवचन है। हर क्लाथ होता तो इसके साथ ही जाता, पर हर क्लाथ्स है तो इसके लिए यहाँ पर क्या जाएगा आर, हर क्लाथ्स। वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब वास की थर्ड फॉर्म वास्ड, उसके बाद में क्या बाई लगा दो, सी का क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये ऐसे बनते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दो, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर होगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब की जगह पर रहेगी वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह रहेगा ऑब्जेक्ट। बस ये हुआ कि चेंज होकर आएगा यहाँ पे। दो एग्जांपल हो गए, आपको समझ में आ रहे होंगे। तीसरा एग्जांपल आप क्या कर, तीसरा एग्जांपल चलो हम आपको समझाए दे रहे हैं, तीसरा एग्जांपल आपको समझाए दे, तीसरा एग्जांपल क्या है देखो गौर से। डज सी नॉट हेट द बेगर क्वेश्चन मार्क, पहले छांटो के सब्जेक्ट कहाँ पर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको चेंज कैसे करना है, आपको ऑब्जेक्ट का बनाना है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का रहेगा सब्जेक्ट, तो नहीं पहले हेल्पिंग वर्ब है तो आपको भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो वो हेल्पिंग वर्ब आपको ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट समझो आपका क्या होगा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, तो द बगैर के हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बगैर के हिसाब से यहाँ पर इज हो जाएगा इज, फिर ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट यानी द बगैर, द बगैर। उसके बाद में नाट है तो भाई सब्जेक्ट बन नाट है तो हमारे भी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बन नाट लगाओ। फिर वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हेटेड हो जाएगी। उसके बाद में बाई लगाकर सी सब्जेक्ट इसका बना दो, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर क्वेश्चन मार्क लगा दो। समझ में आ रहे नहीं आ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है, ठीक आंसर जरूर देना है ये समझ लो। अगर समझ में आ रहे हैं तो इस ये लिखो इसको क्या, पहला क्वेश्चन है एम, एम नहीं आप हो जाएगा डू आई रीड ए बुक, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, दिख रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क क्या है इसको लिख दो तुम, इसको क्या दें हैं देखो, डज
डज ही प्ले क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। दो एग्जांपल हमने दिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में, ये ई बनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, ठीक है, आंसर जरूर देना है। तो अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की तरफ। इसका स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा आपको, तो इसका स्ट्रक्चर हम पहले आपको समझा दे रहे हैं एक्टिव, और फिर आपका आपको समझाएंगे हम पैसिव। एक्टिव में आपको क्या मिलेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, यानी व्हाट हु व्हाई इस तरीके से। उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब में क्या मिलेगा आपको, डू या मिलेगा या तो डज मिलेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट उसके बाद मिलेगा, फिर अगर नाट होगा तो नाट भी मिलेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, इसलिए इस पर घोड़ा लगा दे रहे हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। उसको आपको कैसे चेंज करना होगा, तो आपको क्वेश्चन वर्ड जो होगा उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके लिख देना है, यानी इज आर एम में लिख देना है। उसके बाद में सब ऑब्जेक्ट का बना देना है सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। उसके बाद नाट अगर हो तो नाट भी लगा दो, ना हो तो ना लगाओ। फिर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट का बना दो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक इस तरीके। व्हाई डज द सर्वेंट कॉल यू, ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। इसमें पहले आप छांटो कि ना सब्जेक्ट क्या है, ये आपका डब्ल्यू एच वाई, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, द सर्वेंट इसमें आपका सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट है। तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जो क्वेश्चन वर्ड है वही क्वेश्चन वर्ड लिख दो, वाई इज आर एम लगा दो, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू का, जो यहाँ पर यू सब्जेक्ट बनेगा तो यू के हिसाब से यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, आर। फिर नाट है तो नाट लगाओ, या तो नाट है, नहीं तो ना लगाओ, पर की थर्ड फॉर्म लगा दो, काल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। उसके बाद बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, द सर्वेंट, बाई द सर्वेंट। उसके बाद में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, वाई वाई डू यू, वाई डू यू ब्रेक दिस स्लेट, Why do you break this slate? इसका कैसे बनाओ कि ये आपका क्या है, ये आपका है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप बनाओगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पहले क्वेश्चन वर्ड तो लिखोगे why, फिर दिस स्लेट के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा इज दिस स्लेट। उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। उसके बाद में बाई यू। आज के वीडियो में इतना ही, कल की क्लास में हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वर्ब बनवाएंगे। थैंक यू।